नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग की रेलेवेंस के बारे में और कैसे कुछ एस्पेक्ट्स में प्लानिंग कमीशन की फंक्शनिंग नीति आयोग की फंक्शनिंग से अच्छी थी। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज देखो, एनडीए की सरकार के सामने काफ़ी सारी चुनौतियां हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट करना है, लोगों के इनकम लेवल को इन्हेंस करना है, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और देश की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करे, ये इंश्योर करना है। देश में आज फाइनेंशियल सेक्टर जो क्राइसिस का सामना कर रहा है उसे एड्रेस करना है। इंटरनेशनल ट्रेड काफ़ी कम हो रहा है ट्रेड वार की वजह से, तो इससे इंडिया को ज़्यादा नुकसान ना हो, ये भी सरकार को इंश्योर करना है। हमारे देश में पिछले 72 सालों से चली आ रही प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल पुअर एजुकेशन, पुअर हेल्थ सिस्टम, इसको भी नई सरकार को एड्रेस करना है। इसके अलावा नई चुनौतियाँ जैसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और वाटर स्कैरिटी, पानी कि बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है कुछ इलाकों में पिछले कुछ सालों में, यानी वाटर स्ट्रेस का वो सामना कर रहे हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है नई सरकार को। और देखो, इंडिया की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, इंटररिलेटेड हैं। आप किसी एक प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जाता है स्किल्स का। पिछली सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया यूथ को स्किल्स देने पर, लेकिन सरकार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं कर पाई। अब देखो, आपने यूथ को स्किल्स तो दे दी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उतनी है नहीं, जॉब्स है नहीं, तो क्या होगा? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और वही हुआ। कहने का मतलब ये है, आप किसी एक प्रॉब्लम पे सिर्फ फोकस नहीं कर सकते, आपको होलिस्टिक पिक्चर देखनी होगी देश को आगे ले जाने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए। और इसके लिए चाहिए एक अच्छा प्लान, इसके लिए चाहिए एक अच्छी स्ट्रेटजी। अब क्वेश्चन देखो ये उठता है, क्या इंडिया के पास ऐसी कैपेबिलिटी है जो इस प्रकार का अच्छा प्लान या फिर अच्छी स्ट्रेटजी बनाए जिससे इंडिया की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके। देखो, आज़ादी के बाद प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1950-51 के आसपास, और कई सालों तक प्लानिंग कमीशन ने ही 5-ईयर प्लान बनाया, आपको पता है। लेकिन प्लानिंग कमीशन की सहायता से इंडिया अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर सका, और इसी वजह से पिछली बार जब एनडीए की सरकार बनी, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन देखो, पिछले 5 सालों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना हमारे देश की इकोनॉमी कर रही है, जैसा हमने शुरुआत में आर्टिकल में डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं ये बात भी साफ होती है, जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया था, वो प्लान, वो रणनीति नीति आयोग नहीं बना सका है। मतलब इंडिया के चैलेंजेस को एड्रेस करने में नीति आयोग असफल रहा है। तो कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट्स फिर से प्लानिंग कमीशन को याद करने लगे हैं। मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी सरकार ने भी इसी प्रकार के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और ग्लोबल चैलेंजेस का सामना किया था। और वाजपेयी के सामने एक ग्लोबल थिंक टैंक ने 9 पॉइंट्स का एक प्लान रखा था और बताया था कैसे इंडिया 9% की ग्रोथ रेट हासिल कर सकता था। तो उस समय वाजपेयी ने कहा था, देखो ये तो हमें भी पता है, लेकिन क्वेश्चन उठता है कैसे। सॉरी, उनका कहने का मतलब ये था, सिर्फ प्लान बनाने से काम नहीं चलेगा, प्लान को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए ये भी हमें तय करना होगा। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी डिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी प्लान को पूरा किया जा सकता है। अदरवाइज प्लान में जो कुछ बोला गया है वो सिर्फ बातें रह जाती हैं, बातों के अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, जब देखो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी इस बात पर बल दिया कि प्लानिंग कमीशन के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए सिस्टम में रिफॉर्म लाने की, और वो भी बिना बजटरी ग्रांट के। आपको पता होगा शायद, प्लानिंग कमीशन के पास पावर्स थी डिस्क्रिशनरी ग्रांट देने की, मतलब किसी स्टेट को डिस्क्रिशनरी ग्रांट दी जा सकती थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा, लेकिन ऐसी कोई पावर नीति आयोग के पास नहीं है। लेकिन काफ़ी बार जो स्टेट्स थे वो शिकायत करते थे इस बात की, वो कहते थे कि प्लानिंग कमीशन अपना आइडिया थोपता है हमारे ऊपर और हमें उसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन इस प्रकार की शर्तें रख देता है, जब आप इस आइडिया को इंप्लीमेंट करोगे तभी हम आपको ग्रांट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। स्टेट्स का ये कहना था, आप
हमें इस प्रकार का मौका दीजिए ताकि हम आइडिया को इसलिए इम्प्लीमेंट करें ताकि वाकई में वो आइडिया हमारे स्टेट के लिए अच्छा है और उसे हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। आप इस प्रकार का कोई प्रोविजन मत कीजिए कि हम पैसे के लालच में आके यानी ग्रांट के चक्कर में आपके आइडिया को इम्प्लीमेंट करें जबकि वो आइडिया ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग हो। तो इस प्रकार से प्लानिंग कमीशन का काफ़ी क्रिटिसिज्म होता था। प्लानिंग कमीशन वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच अपनाता था। तो एक कमीशन का गठन किया गया था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे सी रंगाराजन की अध्यक्षता में। सी रंगाराजन उस समय चेयरमैन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थे। उनको काम दिया गया था कि बजटरी प्रोसेस को एग्जामिन करना और फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिविजन और लास्ट में प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के बीच जो डिस्टिंक्शन है उसे समाप्त करना। तो देखो इस कमीशन ने यह रिकमेंड किया था प्लानिंग कमीशन के पास पावर्स नहीं होनी चाहिए ग्रांट रिकमेंड करने की, ये पावर्स होनी चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। कमीशन ने यह रिकमेंड किया कि अब इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि प्लानिंग कमीशन के पास पावर्स हों फाइनेंशियल प्रोविजंस की। कहने का मतलब देखो ये है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल देके आर्टिकल में राइटर ये बताना चाहते हैं कि काफ़ी लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि प्लानिंग कमीशन में बदलाव लाए जाए, रिफॉर्म्स लाए जाएं। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ख़त्म ही कर दिया बजाय प्लानिंग कमीशन में रिफॉर्म लाने के। तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी क्योंकि प्लानिंग कमीशन समाप्त हो चुका था। नीति आयोग से एक्सपेक्टेशंस ही थी कि नीति आयोग अब अच्छा काम करेगा, नीति आयोग इंडिया के पोटेंशियल को अचीव करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, एक अच्छी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बनाएगा। लेकिन क्या नीति आयोग उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा है या फिर नहीं उतरा है? इसके जवाब में राइटर देखो ये कहते हैं, नीति आयोग ने अपनी इंटीग्रिटी खो दी है। नीति आयोग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में काम नहीं कर पाया है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का काम होता है सरकार को गाइड करना, चाहे वो बात सरकार को अच्छी लगे या फिर नहीं लगे। लेकिन नीति आयोग तो सिर्फ एक सरकार की ब्रांच बन के रह गया है, सरकार का माउथपीस बन के रह गया है। नीति आयोग के पास एबिलिटी होनी चाहिए सरकार की जो भी स्कीम्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, उनको इवेल्युएट करके सरकार को फीडबैक दे और बताए कि भैया आपका ये जो प्रोग्राम है वो अच्छा नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नीति आयोग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। देखो यूपीए सेकंड के दौरान एक इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस सेटअप किया गया था लेकिन एनडीए गवर्नमेंट ने उस इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस को समाप्त कर दिया। इस प्रकार के जब इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन ऑफिस होते हैं ना तो एक ट्रू फीडबैक सरकार को मिलता है, सरकार अपनी स्कीम्स में अपने प्रोग्राम्स में आवश्यक फेरबदल कर लेती है। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो नीति आयोग को नए मेथड्स अपनाने की आवश्यकता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके हमारे डेवलपमेंट की जर्नी में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर सिविल सोसाइटी के लोग हों, कॉरपोरेट ग्रुप्स हों, प्राइवेट कंपनीज हों, कोई भी हों, सभी का एक फीडबैक हो, ग्राउंड रियलिटीज से परे ना हो जो भी प्लान्स, जो भी सजेशंस दिए जाएं नीति आयोग के द्वारा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। प्लानिंग कमीशन पर आरोप यही लगता था कि अप्रोच जो है प्लानिंग कमीशन की वो टॉप डाउन है, बॉटम अप नहीं है, मतलब नीचे से कोई फीडबैक नहीं आता, नीचे से फीडबैक का इस्तेमाल नहीं किया जाता प्लान्स को बनाने में। प्लान्स प्लानिंग कमीशन के द्वारा बना दिए जाते हैं और उसे इम्पोज कर दिया जाता है विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ग्रांट का लालच देके। तो ऐसा नीति आयोग के साथ नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो ये पुरानी वाइन नई बोतल के समान होगा। अभी फिलहाल डिबेट ये होनी चाहिए नीति आयोग को जो काम दिया गया था क्या वो काम नीति आयोग कर पाया है या फिर नहीं कर पाया है। अगर नहीं कर पाया है तो नीति आयोग में किस प्रकार से बदलाव किया जा सकता है ताकि नीति आयोग एक बेहतर ना सिर्फ प्लान बनाए, एक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी भी बनाए और सबको साथ लेके। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नीति आयोग की रेलेवेंस के बारे में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।